नमस्ते फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अभी हम आगे जा रहे हैं सीखने क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज हमने देखा तीन क्रॉनिक मायाजम्स है। तो हमारा लेक्चर ऑन क्रॉनिक डिजीज, थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज, नाउ क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो इससे शुरू करते हैं हनुमान सर के ब्लेसिंग से, अपने गुरु के ब्लेसिंग से। आप भी अपने गुरु के ब्लेसिंग ले लीजिए और हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज, तो क्योर, वी नाउ प्रोसीड टू द मेडिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द इलिमिटेबली लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीज व्हिच आर द अबव गेन नॉलेज ऑफ देयर थ्री फोल्ड नेचर हैज नॉट इंडेड बिकम इजी बट व्हाट विदाउट दिस नॉलेज वॉज बिफोर इम्पॉसिबल हैज at last become possible since the homeopathically specific remedies for each one of these three different miasmata have in great part been discovered. To Hanuman sir kya bol rahe hai ki ab hum ja rahe hai ki homeopathic medical treatment ki aur ki chronic disease ka jo illimitably ki jiski koi limit nahi hai itne sare number of disease to उसका थ्री फोल्ड जो है वो कौन कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है ओनली सोरा। तो ये नॉलेज के बिना, थ्री फोल्ड जो नेचर है क्रॉनिक डिजीज का, उसका जो अगर नॉलेज नहीं है तो उसके नॉलेज के बिना हम उसकी स्पेसिफिक रेमेडी को नहीं जान सकते, नहीं दे सकते। तो ये तीनों जो डिफरेंट मायाजमेटा है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, तो उसकी जो स्पेसिफिक रेमेडी यानी एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक एंड एंटीसाइकोटिक, वो उसके नॉलेज को जानने के बिना हम नहीं डिस्कवर कर सकते और उसको जान के ही उसको डिस्कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट टू मायाजमेटा विच कॉज बाय फार द स्मॉलर पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, जो फर्स्ट टू मायाजमेटा यानी साइकोसिस एंड सिफिलिस, वो बहुत कम पार्ट को कवर करते हैं। द वेनरल शैंकर डिजीज, सिफिलिस एंड फिगवाट्स, विनरल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ देयर सिक्वल, विथ देयर सिक्वल यानी कि सिफिलिस हुआ स्किन यानी जेनाइटल्स पे आया, उसके बाद उसके सिक्वल की उसके बाद क्या हुआ, जनरल सिस्टम में जाके क्या हुआ। वी विल ट्रीट फर्स्ट इन ऑर्डर दैट वी मे हैव फ्री पाथ टू द थेरापटिक्स ऑफ इमेजरेबली greater number of various chronic diseases which spring from sora. So first two miasmata jo hai, which caused by far smaller part of the chronic disease, the veneral chancre, syphilis and the figwort disease with their sequel, we will treat first in order that we may have free path to the therapeutics of immeasurably greater number of various chronic diseases which spring from sora. सारे के सारे जो मेजर इमेजरेबली यानी जिसका कोई गणना नहीं हो सकती, वो सारे जो डिजीज है वो सब सोरा से स्प्रिंग आउट हुए हैं। साइकोसिस फर्स्ट हम शुरू करते हैं। हनुमान सर ने सोरा के ट्रीटमेंट से पहले साइकोसिस और सिफिलिस क्यों दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली साइकोसिस एंड सिफिलिस भी कहीं ना कहीं रूटेड फ्रॉम सोरा है। तो जब थ्री मायास्मेटिक डिजीज है तो उसको कैसे ठीक करना है, सिंपल साइकोसिस है तो उसको कैसे करना है, तो ये हम आगे पढ़ते हैं। हनुमान सर ने सिर्फ तीन ही मायाजम दिए हैं, साइकोसिस, सिफिलिस एंड सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, वेनरल डिजीज एंड सोरा, इच डिजीज साइकोसिस फर्स्ट। देन कंसर्निंग साइकोसिस एज बीइंग दैट मायाजमा विच हैज प्रोड्यूस्ड बाय फार द फ्यूएस्ट क्रॉनिक डिजीज, साइकोसिस जो है बहुत फ्यू डिजीज को क्रिएट करता है एंड हैज ओनली बीन डोमिनेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इट इज ओनली डोमिनेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम।
टाइम से दिखता है, टाइम से नहीं दिखता. दिस फिगवा डिजीज विच इन लेटर टाइम्स स्पेशल ड्यूरिंग द फ्रेंच वॉर इन ईयर 1809 एंड 1814 वाज सो वाइडली स्प्रेड बट विच वॉज सिंस शोड itself more and more rarely was treated almost always in an inefficient and injurious manner internally with mercury because it was considered homogeneous with the venereal chancre disease but the excretions on the genitals were treated by allopathic physician always in the most violent external way by cauterization burning and cutting or by ligature तो जो फिगवार डिजीज है वो पहले के टाइम में यानी फ्रेंच वॉर के टाइम में 1809 या 1814 पर इतना वाइड स्प्रेड हुआ क्योंकि ये टाइम जो था वहां एक आधा धुंधी रहती है. तो ये टाइम पे जो साइकोसिस डेवलप हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण जो डिजीज पैदा हुआ तो वो टाइम पे कैसे ट्रीट होता था तो कि ऑलवेज इनएफिशियंट एंड इंजूरियस मैनर से इंटरनली मर्क्यूरी क्योंकि मर्क्यूरी जैसे उनको दिखा और वेंडर शंकर डिजीज जैसे उसके सिम्टम्स दिखे बट द एक्सक्रीशन जो जेनिटल पर जो फिगवार्ड्स आए उसको क्या किया कि वायलेंट एक्सटर्नल वे कॉटराइजेशन उसको कटिंग किया बर्निंग किया कॉटराइजेशन किया कॉटरिस या लाइगेशन लाइगेचर से उसको ठीक किया. दिस एक्सक्रीशन यूजुअली फर्स्ट मैनिफेस्ट themselves ऑन द genitals. सबसे पहले ये genitals पे अपियर हुए एंड अपियर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अटेंडेड विथ सॉर्ट ऑफ गोनोरिया. या तो ये अकेले फिगवार्ड्स आएंगे अदरवाइज ये गोनोरिया के सिम्टम्स के साथ आएंगे. गोनोरिया यूजुअली इन अ गोनोरिया ऑफ दिस काइंड द डिस्चार्ज इज फ्रॉम द बिगिनिंग थिकिश लाइक पस micturation in less difficult but the body of the penis swollen somewhat hard the penis is also in some cases covered on the back with glandular tubercles and very painful to touch. to jo gonorrhea ke symptoms the wo kya the ki beginning mein wo thickish like pus jaisa discharge micturation mein koi problem nahi less difficult but द पेनिस बॉडी जो बॉडी बॉडी ऑफ पेनिस है वो समवट स्वॉलन यानी सूज जाना या हार्ड हो जाना. और पेनिस हार्ड होने की वजह से उसका जो ड्रेनेज लिम्फ नोड है वो क्या हो जाते हैं पेनफुल एंड स्वॉलन वेरी पेनफुल टू टच. तो गोनोरिया फ्रॉम यूरेथ्रा सेवरल डेज और सेवरल वीक्स इवन मैनी वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन थ्रू कॉइशन. जेनिटल जो डिजीज है कहां से पैदा हुआ इम्प्योर कॉइशन की वजह से. तो इम्प्योर कॉइशन जो है उसमें उसने फिगवार्ड्स पैदा किया या फिर विथ ओनली फिगवार्ड्स विथ और विदाउट गोनोरिया आइदर सेवरल डेज विद इन और विद इन सेवरल वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन. More rarely they appear dry and like warts. More frequent soft, spongy, emitting specifically fetid fluid. So, abhi recently I had seen a case, a lady who is pregnant and suffering from gonorrhea and fig warts. Itne bade bade warts, genital warts. Ki jaise mushroom ki tarah sare foot ke nikle the. So, there is some discharge, sweetish discharge. तो जैसे इसमें लिखा है वैसा ही सेम पिक्चर बहुत रेयर अभी दिखता है बट आई हैड सीन फ्यू डेज बैक. तो स्विटिश ऑलमोस्ट लाइक हेरिंग बिन डिस्चार्ज. कैसे वार्ट्स थे वो सम ड्राई एंड सम आर स्पंजी कि दबाने से वो सॉफ्ट थे स्पंजी थे. ब्लीडिंग इजीली ब्लड टच किया ज्यादा प्रेशर आया तो ब्लड हो जाना and in the form of coxcomb or cauliflower like this with male sprout forth on the glands and on or below the prepuce but with woman on the parts surrounding the pudenda.
पूरे जेनेटल एरिया में थे उसके, तो सेम वार्ड्स उसके हस्बैंड को भी थे, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड विंड्रल डिजीज है इसीलिए. एंड द प्यूडेंडा देमसेल्व्स विच आर द स्वॉलन आर कवर्ड ऑफन बाय ग्रेट नंबर ऑफ देम. पूरा प्यूडेंडा जो एरिया है वो ऐसे सॉफ्ट स्पॉन्जी वार्ट्स, हनी हनी लाइक स्वीटी स्मेल एंड गोनोरिया से भरा हुआ था. व्हेन दीज आर वायलेंटली रिमूव्ड एंड द नेचुरल प्रोक्सीमेट इफेक्ट इज दैट दे विल यूजुअली कम फोर्थ अगेन, यूजुअली टू बी सब्जेक्टेड अगेन इन वेन टू सिमिलर पेनफुल क्रूअल ट्रीटमेंट. तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि ये सारी जो क्रूअल ट्रीटमेंट है, अगर इसको वायलेंटली रिमूव किया, कैसे, कटिंग से, बर्निंग से, कोटराइजेशन से, तो फिर क्या होगा, वो वापस आएंगे और ये जो सारी क्रूअल ट्रीटमेंट है, वायलेंट ट्रीटमेंट है, सारी व्यर्थ है. बट इवन इफ दे कुड बी रूटेड आउट इन दिस वे, अगर उसको ऐसे रिमूव किया, इट वुड मियरली हैव द कंसिक्वेंसेस, तो उसकी हमें कंसिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेगी. दैट द फिगवार्ड डिजीज आफ्टर हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ द लोकल सिम्टम विच एक्ट विकेरियसली फॉर द इंटरनल एलिमेंट्स. विकेरियसली हमने ये रेपटरी में सुना है कि मेंसिस विकेरियस एपिस्टेक्सिस. तो विकेरियस यानी क्या, कि बाहर से डिजीज रिमूव हो गया या बंद हो गया, उसका दरवाजा बंद कर दिया, तो वो अंदर कहीं जाके प्रोड्यूस करेगा. तो बट क्या बोल रहे हैं, इधर इसको वायलेंटली रिमूव कर दिया तो हमें उसकी कंसिस्टेंसी भी बदलनी पड़ेगी. क्या, तो कि विकेरियसली फॉर द इंटरनल एलिमेंट, अभी ये अंदर जाके बीमारी को पैदा करेगा, वुड अपियर इन ऑर्डर इन अदर एंड मच वर्स वेज. वर्स यानी उससे भी खराब रास्ते से, इन सेकेंडरी एलिमेंट. फर्स्ट था वो प्राइमरी था जो स्किन पे आया था, जेनाइटल्स पे, एक्सटर्नल पे आया था, अभी क्या करेगा, सेकेंडरी एलिमेंट जो डिजीज अंदर जाएगा. फॉर द फिगवर्ट मायाजम विच रूल्स इन द होल ऑर्गेनिज्म, ये पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी फैलेगा. हैज बीन इन नो वे डिमिनिश्ड आइदर बाय द एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन ऑफ द अबोव मेंशन एक्सक्रीशंस और बाय मर्क्यूरी विच हैज बीन यूज इंटरनली एंड विच इज नो वे अप्रोप्रिएट टू साइकोसिस. तो अभी ये बाहर से रिमूव करने से भी नहीं जाएगा, कोटराइजेशन या बर्निंग या कटिंग से, ये बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है अभी और इसका कोई यूज नहीं है. और इंटरनली मर्क्यूरी देने से भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मर्क्यूरी भी यहाँ काम करेगी नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी इज नॉट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक एंटी साइकोटिक मेडिसिन. दैट्स वाई बिसाइड द अंडरमाइनिंग ऑफ द जनरल हेल्थ बाय मर्क्यूरी विच इन दिस डिजीज कैन ओनली डू इंजरी. तो मर्क्यूरी अगर उसकी स्पेसिफिक नहीं है तो वो क्या करेगी, मोर इंजरी करेगी. एंड विच इज गिवन मोस्टली इन वेरी लार्ज डोज. और मर्क्यूरी को भी कैसे देते हैं, होम्योपैथिक डोज यानी सिंगल डोज, इतनी छोटी पॉपिसिसाइड गोली नहीं देते, उसको लार्ज डोज में देते हैं, या तो डाइल्यूशन फॉर्म में देंगे, या फिर अगर कोई देगा तो उसको लार्ज डोज में देगा. एंड इन मोस्ट एक्टिव प्रिपरेशन उसको डाइल्यूशन, पोटेंटाइज, सकशन करके नहीं देते, वो एक्टिव प्रिपरेशन देगा. तो एक्टिव प्रिपरेशन, तो मर्क्यूरी वैसे भी इतना पॉइजनस और डेंजरस है. सिमिलर एक्सक्रेशंस देन ब्रेक आउट इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये जो फिगवार्ट लाइक इरप्शंस है, फिगवार्ट लाइक जो एक्सक्रीशन है, वो अदर पार्ट्स पे दिखाई देना शुरू करेंगे, आइदर वाइटिश, स्पॉन्जी, सेंसिटिव, फ्लैट एलिवेशन इन द कैविटी ऑफ माउथ, ऑन द टंग, द पैलेट, द लिप्स, और एज लार्ज रेज्ड ब्राउन ड्राई ट्यूबरकल्स इन द एक्सिला, ऑन नेक, ऑन स्काल्प, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जब हम एक पार्ट से दबाते हैं तो डिजीज बहुत सारी जगह फैल जाता है. दे अराइज ऑन अदर एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे भी अदर एलिमेंट शुरू हो जाएंगे. ऑन विच आई शैल ओनली मेंशन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर मसल स्पेशली ऑफ द फिंगर. तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम बोलते हैं ना, तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल है
वो शुरू हो जाएंगे, जो मसल का जो जो मसल है उसके टेंडन शॉर्ट होंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइकोसिस अगर इंटरनल गया तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। द गोनोरिया डिपेंड ऑन फिगवाट मायाजमा एज वेल एज अबोव मेंशन एक्सक्रीशन। द होल साइकोसिस, गोनोरिया डिपेंड ऑन द फिगवाट मायाजम एज वेल एज अबोव मेंशन एक्सक्रीशन आर क्योर मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट थरली थ्रू द इंटरनल यूज ऑफ थुजा, विच इन दिस केस इज होम्योपैथिक इन डोज ऑफ फ्यू पिलेट्स एज लार्ज एज पॉपी सीड मॉइस्चर विद द डायल्यूशन पोटेंटाइज डूज टू द डेसिलिडोन डिग्री एंड वेन दिस हैव एग्जॉस्टेड द एक्शन आफ्टर 15, 20, 30, 40 days अल्टरनेटिंग विथ जस्ट ए स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रिक एसिड डायल्यूटेड टू द डेसिलियन डिग्री विच मस्ट बी अलाउड टू एक्ट एज लॉन्ग एज टाइम इन ऑर्डर टू रिमूव द गोनोरिया एंड एक्सक्रीशन दैट इज द होल साइकोसिस। हनुमान सर ने ये फुटनोट, इसके एक फुटनोट दी है कि बटरिया मेडिका क्यूरा पार्ट फोर में, और दूसरा फुटनोट है कि इफ फर्दर डोज ऑफ थुजा रिक्वायर्ड, सॉरी, तो गोनोरिया जो है वो फिगवाट मायसम के साथ इंटरनल एज वेल एज अबव मेंशन एक्सक्रीशन यानी कि जेनाइटल्स पे, पूरे बॉडी पे जो भी आया है, आर क्योर्ड मोस्ट श्योरली मोस्ट थरली यूज ऑफ इंटरनल थुजा। थुजा जो है द ग्रेट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। थुजा के प्रूविंग में हमने उसके जो सिम्टम्स देखे वो सब ऐसे ही है जैसे हनुमान सर ने इधर साइकोसिस में लिए है, पर कैसे देना है, जो पॉपिस जो ग्लोबुल्स की साइज है वो पिलेट की, फ्यू पिलेट एज लार्ज एज पॉपीसीसाइड पॉपीसीड साइज मोशन विद डाइल्यूशन पोटेंटाइज टू द डेसिथिलोन डिग्री कितना उसको डेसिथिलोन, डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल स्केल, ये सब हमने सुने हैं। तो डेसिथिलोन डिग्री में उसको देना है, कब तक देना है कि जब तक उसका एक्शन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। कब तक उसका एक्शन है, आफ्टर 15 डेज, किसी किसी के में 20, 30, 40 डेज, और उसके साथ अल्टरनेटिंग में जस्ट जब नाइट्रिक एसिड इंडिकेट होगी। ये सब मेडिसिन अपने से इंडिकेट होगी जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे। तो जब मैंने ये पेशेंट की हिस्ट्री ली तब उसमें थूजा क्यों इंडिकेट हुई, सिर्फ फिगवाट साइकोसिस के साइकोटिक के नहीं, वो पेशेंट की हिस्ट्री में था कि उसके हस्बैंड का, उसको डाउट था कि हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है। जब इसको प्रेग्नेंट, इसलिए वो उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहता, पर हस्बैंड ने जब उसको क्लियर किया कि डॉक्टर ने मना किया था कि प्रेगनेंसी के इनिशियल 3-4 मंथ्स में वी शुड नॉट इंटरकोर्स क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसान कारक है, और वो थोड़े लॉ कम्युनिटी में टिके थे, तो उनकी कम्युनिटी में ऐसा था कि अगर जो अंदर पेट में बच्चा है और इंटरकोर्स करते हैं तो फादर को उसका सिंड पाप भुगतना पड़ेगा, तो उसके कारण हस्बैंड वॉज नॉट रेडी। तो फिर वो सुनने के बाद मदर को इतना गिल्ट आया, तो ये गिल्ट, ये डाउट, ये सब अंदर उसको वापस से कहाँ लेके गया, थुजा की ओर लेके गया। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ तो जब नाइट्रिक एसिड आएगी, जब जब थुजा से जितने सिम्टम्स जाने जाएंगे, फिर जो सिम्टम्स बचेंगे तो उसकी आप टोटालिटी करोगे, तब आपको नाइट्रिक एसिड इंडिकेट होगी ही होगी। ऐसे नहीं देनी है इंटरकरंट नाइट्रिक एसिड दे दिया थुजा के साथ चलते चलते, ऐसे नहीं जाना है हमें। वी विच मस्ट बी, हाँ ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक्सेप्ट इन द मोस्ट इनवर्टरेट एंड डिफिकल्ट केसेस when the larger figwarts may be moistened every day with mild pure juice pressed from the green leaves of thuja mixed with the equal quantity of alcohol।
इन्वर्टेड यानी बहुत खराब अगर कंडीशन नहीं है, इतने बड़े बड़े लार्जर फिगवाट्स नहीं है तो हमें नहीं देना है, पर अगर लार्ज है, इन्वर्टेड केस है, तो थूजा का जो लिव्स है उसको फ्रेशली उसको जूस प्रेस करके उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके लगाना है, ऐसे ही डाइल्यूशन को अंदर दे दिया और बाहर लगा दिया, ऐसे नहीं देना है। हनुमान सर ने सब कुछ दिया है कि कैसे क्या करना है। बट इफ द पेशेंट वॉज एट द सेम टाइम अफेक्टेड विथ अनदर क्रॉनिक एलिमेंट, अगर ये साइकोसिस चल रहा है और उसके साथ डिजीज और एक आ गई क्रॉनिक माय एलिमेंट्स एज इज यूजुअल आफ्टर द वायलेंट ट्रीटमेंट ऑफ फिगवाट बाय एलोपैथिक फिजिशियन, देन वी ऑफन फाइंड डेवलप्ड सोरा कॉम्प्लिकेटेड विथ साइकोसिस। तो जब अगर साइकोसिस को, साइकोसिस के फिगवाट्स को अगर वायलेंटली एक्सटर्नली रिमूव किए बाय द एलोपैथिक फिजिशियंस, तो क्या होगा, सोरा जो अंदर है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम सोरा लेटेंट फेज में पड़ा था और साइकोसिस एक्टिव था। अभी साइकोसिस को ऐसे रिमूव किया तो अभी साइकोसिस हो गया कॉम्प्लिकेटेड सोरे के साथ, व्हेन द सोरा एज इज ऑफन द केस वॉज लेटेंट बिफोर इन द पेशेंट, जैसे समझाया, एट टाइम्स व्हेन अ बैडली ट्रीटेड केस ऑफ विंड्रल शैंकर डिजीज, जब खराब रीत से ट्रीट किया हुआ शंकर डिजीज हैज प्रिसीडेड बोथ दिस मायज मेटास कंजॉइंड एंड थ्री फोल्ड कॉम्प्लिकेशन विद सिफिलिस, अगर इसी बंदे को पहले सिफिलिस था, सिफिलिस को भी ऐसे ही दबाया, ऐसे ही बैडली ट्रीट किया, तो अभी सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस पूरा कॉम्प्लिकेटेड मायजम रेडी हो जाएगा। देन इट इज नेसेसरी फर्स्ट टू कम टू द असिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एफ्लिक्टेड पार्ट द सोरा विद द स्पेसिफिक एंटीसोरिक रेमेडी गिवन बिलो एंड देन टू मेक यूज ऑफ द रेमेडीज फॉर एंटीसाइकोसिस यानी फॉर साइकोसिस बिफोर द प्रॉपर डोज ऑफ बेस्ट प्रिपेयर मर्क्यूरी एज विल बी डिस्क्राइब बिलो इज गिवन अगेंस्ट द सिफिलिस द सेम ऑल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट मे बी कंटिन्यू अंटिल अ कंप्लीट क्योर इज अफेक्टेड। यानी सबसे पहले क्या देना है, एंटीसोरिक। जब साइकोसिस, सिफिलिस और सोरा तीनों कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, देन फर्स्ट वी शुड गो फॉर एंटीसोरिक, क्योंकि ये दोनों के बेस में भी सोरा ही पड़ा है जो लेटेंट फेज में था, क्योंकि सबसे पहले इम्प्योर थॉट यहाँ आया, सोरा यहाँ से शुरू हुआ, तब जाके वो बंदा इम्प्योर क्वेश्चन में गया और इम्प्योर क्वेश्चन से साइकोसिस पैदा किया या सिफिलिस पैदा किया। तो सबकी जो जनेता है वो सोरा ही है, तो कैसे जाना है, फर्स्ट एंटीसोरिक, देन साइकोटिक, देन एंटीसिफिलिटिक। तो ये ना अपने आप ही इंडिकेट होती जाएगी, जैसे केस खुलता जाएगा ना, वैसे सपोज हमने एंटीसोरिक दे दी कि इसकी एंटीसोरिक सेपिया चल रही है, फिर जैसे सेपिया ने काम किया, कुछ सिम्टम्स ठीक हुए, कुछ सिम्टम्स जो सप्रेस हुए थे वो पीछे नए आए, तो जब वापस से टोटालिटी बनाएंगे तो थूजा या नाइट्रिक एसिड अपने से इंडिकेट होके आएगी। तो सिर्फ जैसे उसको रिमूव किया वो ठीक हो गए, तो अंदर से जो और कुछ सप्रेस हुआ था और आया, तो मर्क्यूरी अपने से इंडिकेट होके आएगी। तो हमें ऐसे देना है, ऐसे नहीं देना है कि एंटीसोरिक यानी सल्फर दे दी, फिर थूजा दे दी, फिर मर्क्यूरी दे दी, फिर वापस से सल्फर दे दी, थूजा दे दी, मर्क्यूरी दे दी, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे सिक्वेंस से जाना है। पर जो मेडिसिन आएगी उसको इंडिकेट करेंगे, जो इंडिकेट ही होगी, सिम्टम्स उसको इंडिकेट करेंगे। तो एक फुटनोट है कि दिस सोरा इज हार्डली एवर फाउंड इन इट्स डेवलप स्टेट एंड दस कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू कॉम्प्लिकेशन विथ अदर मायाजमेटा। तो सोरा जो है जब साइकोसिस रन हो रहा है तो वो कहाँ पड़ा है, लेटेंट स्टेट में पड़ा है, पर जैसे ही एंड दस कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन कॉम्प्लिकेशन विथ अदर मायाजमेटा, इसलिए वो अदर मायाजमेटा के साथ वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसके डेवलप स्टेट में आ जाएगा। विथ यंग पीपल who have just been infected and seized by figwort disease and who had not to pass through the usual mercurial treatment
which never run its course without the most violent assaults on constitution. By this pernicious derangement of whole organism, the Sura, even if slumbering ever so soundly, will be awakened if, as if often the case, it was present within. हनुमान सर सेम कर रहे हैं कि अगर साइकोसिस और सिफिलिस को भी बैडली ट्रीट किया है, अगर उस तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा वायलेंट असल्ट होगा, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा खराब तरीके से डैमेज होगा और सोरे के साथ वो मिक्स होके एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज क्रिएट करेगा. इन दिस यानी हनुमान सर ने जो एंटीसोरिक दिए, यानी आगे जो हमने सीखा ना, बोले नीचे जो दिया गया, यानी वो लिस्ट दिया है हनुमान सर ने, जो एंटीसोरिक मेडिसिन प्रूव की है, वो एंटीसोरिक का लिस्ट जो है उसमें से जो एंटीसोरिक आएगी वो स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, फिर एंटीसाइकोटिक, फिर एंटी सिफिलिटिक. इन दिस रिलायबल क्योर ऑफ साइकोसिस फ्रॉम विद इन, नो एक्सटर्नल रेमेडी एक्सेप्ट द जूस ऑफ थूजा इन इनवर्टरेट बेड केसेस मस्ट बी अप्लाइड और लेड ऑन फिगवाड्स. क्या कर रहे हैं हनुमान सर, बोल रहे हैं कि ओनली एंड ओनली इंटरनल मेडिसिन इन सम बैड केसेस, थूजा उसका फ्रेश जूस अल्कोहल के साथ मिक्स करके लगाना है. क्यूस ओनली टू क्लीन एंड ड्राई लिंट इफ दे आर ऑफ मॉइस्ट वेराइटी, अगर मॉइस्ट वेराइटी के है तो. तो यहाँ पे हमने जाना क्रॉनिक डिजीज में साइकोसिस, कि बंदा इम्प्योर क्वेश्चन में गया क्यों, क्योंकि उस क्यों उसने अपनी टेरिटरी क्रॉस की, क्योंकि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है क्या होता है कनोरिया, कि उसने अपनी टेरिटरी, टेरिटरी यानी दो इंसान की जब शादी होती है तो वो शादी सिर्फ दो शरीरों की नहीं होती, दो परिवार की होती है, दो दो शहर, दो गांव की होती है, दो कम्युनिटी की होती है. तो उसने अगर आज जो बंदा जिसके पास जाता है वो भी फोरसेक हुआ है और जिसके पास जाता है क्वेश्चन को वो भी कहीं ना कहीं फोरसेक है, तो ना ये हेल्दी कंडीशन में गया है ना वो हेल्दी कंडीशन में है. इसीलिए साइकोलॉजी अगर हेल्दी नहीं है तो जो क्वेश्चन है वो भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्योर लव. तो ये भी लव में नहीं है, ये भी लव में नहीं है, ये भी इसकी नीड भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी नीड भी सेटिस्फाइड नहीं है. तो जब दो बीमार बंदे, दो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब बंदे इकट्ठे होते हैं तो डिजीज को ही पैदा करते हैं. इसने अपने टेरिटरी छोड़ी, इसके पास गया, इसने भी अपने टेरिटरी छोड़ी, इसके पास गया, जो गया तो गया, फिर क्या हुआ, गिल्ट में गया. तो जैसे ही गिल्ट में जाएगा डिजीज होना शुरू हो जाएगा. तो हमें हमें हमेशा ये पूछना है, इसकी विनरल डिजीज में गया तो उसको नफरत नहीं करनी है, इसको विनरल डिजीज हुआ क्या, क्यों इसको बाहर जाना क्यों पड़ा, इसको इम्प्योर क्वेश्चन करना क्यों पड़ा. वी हैव टू फाइंड आउट दिस इन साइकोसिस एंड सिफिलिस बोथ केसेस. इसको विनरल हुआ तो ये अच्छा नहीं है, नहीं हमें ये नहीं करना है. तो उसके पीछे का सोरा क्या है, इसके पीछे का इम्प्योर थॉट्स क्या है, इसके पीछे की इसकी लाइफ कैसी गई है, ये कौन से सर्च में जा रहा है. कभी कभी एक बंदे को पांच पांच सात सात दस दस बीस बीस सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, उसको कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, पर ये इसकी नीड कहीं भी नहीं सेटिस्फाइड होती. तो हमें रेमेडी को ऐसे देखना है कि ये फोरसेक क्यों हुआ, कहाँ से फोरसेक हुआ, चाइल्डहुड कैसा गया, इसकी लाइफ सिचुएशन कैसी गई, किसने इसको ये मल्टीपल पार्टनर में लैंड किया, किसने इसको टेरिटरी तोड़ने में मजबूर किया. तो साइकोसिस को ठीक करना है तो भी हमें उसके बेस को जानना जरूरी है फ्रेंड्स. तो हम ऐसे ही साइकोसिस है, सिफिलिस है, थूजा दे दो, नाइट्रिक एसिड दे दो, नहीं, वी शुड नॉट गो लाइक दिस. वी शुड फाइंड बेस कि इसके पीछे क्या रन हो रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी माँ कैसी है, उसके फादर कैसे हैं, इन दोनों के दोनों की जो लाइफ है उसमें क्या अट्रैक्शन है,
ये बच्चा क्या लेके आया, ये बड़ा होके उसने क्या सीखा। तो होल जर्नी जो है वो पेशेंट की लाइफ की लेनी है, फिर वहां पे थूजा इंडिकेट होगी एंड वी शुड गो। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे सिफिलिस। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे और ये जर्नी में कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू।